गांव गेट से रानी लक्ष्मीबाई किले के बगल से जाता हुआ रास्ता मार्केट। ये एक और बहुत ही प्राचीन मंदिर, और ये देखिए आप किस तरह से मौसम बना हुआ है, भारी चारों तरफ धुंध कोहरा। पहली बार इस तरह का मौसम इस सीज़न के दौरान। खान पान की दुकानें, नैनो मटन कॉर्नर, और ये साधना मंदिर जो कि गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का ये पसंदीदा स्थान था। जब भी वो झांसी आते थे यहीं रुका करते थे। मुझे भी ये हमेशा स्थान आकर्षित किया करता है, कारण चाहे जो भी हो ये तो नहीं मालूम। हल्की धुंध, ये गांधी खादी भंडार, श्री गांधी भवन। वैसे कुल मिला के कोई उत्साह चौराहों से नहीं दिखाई पड़ रहा। ये कि कल गणतंत्र दिवस, बहुत ही पवित्र दिन, के लिए जो रास्ता है यहाँ से सीधे अंदर मस्जिद हाथिया तालाब की तरफ जाता हुआ, ये भी रास्ता यहाँ कुछ देशभक्त के गाने लगे हुए सुनाई पड़ रहे हैं। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पार्क, भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराता हुआ मैथिली शरण गुप्त, जो कि देखा जाए तो काव्य के क्षेत्र के जाना माना नाम। जगमगाता देशभक्त के गाने किसी भी देशभक्त के मन में ऊर्जा का संचार कर देते हैं। ये सार्वजनिक प्रसाधन, और ये वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पार्क, और इस मंदिर अंदर जैनालय, ये मेन गेट पार्क का व्यास हैप्पी होम स्टील फर्नीचर। जैन फर्नीचर, अग्रवाल फर्नीचर, किसी वीरांगना का घोड़े पे सवार। कुल मिला के जो छींटे पड़ रहे हैं वो ओस के छींटे नहीं भी हो सकते, क्योंकि जो फाउंटेन चल रहे हैं उसके भी छींटे आपके ऊपर पड़ सकते हैं। ये रास्ता दरगाह जीवन शाह की तरफ जाती हुई सरस्वती पाठशाला
इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज कैंट का एरिया है ये, ऐसा लिखा हुआ है। गवर्नमेंट्री सर्विस क्रेयांस जोमैटो सांवरिया सीट एंड रेस्टोरेंट। और ये देखिए चौराहा जगमगाता हुआ, राष्ट्रीय तिरंगे के रंग से तो नहीं लेकिन जगमगा रहा है चौराहा। भिलाई की तरफ से आता हुआ ये रास्ता सिनी ब्यूटी जय गुरुदेव जय बाबा।